दीदी आप इतने पतले हो गए, आपने क्या खाया? फुल डे रूटीन बताओ, आप इतने पतले कैसे हो गए? मुझे भी वेट लूज करना, मेरा भी दीदी इतना वेट बढ़ गया आफ्टर डिलीवरी। आपने कैसे किया, क्या क्या आप लेते हो, कौन से आप डाइटिशियन से डाइट ले रहे हो, हमें भी बताओ। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस भी कैसे जवाब दिया जाए एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस का। मुझे भी वेट लूज करना है, मुझे भी दीदी मतलब पहले से इतना वेट गेन हो गया, अब आपका वेट कितना है, आप सुबह उठकर क्या खाते हो, फुल डे रूटीन बताओ। अभी आज के वीडियो फुल डे रूटीन पे रहेगी। जो भी चैनल से जुड़ रहे हैं हाथ जोड़ के नमस्कार भी, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके कमेंट पे ही नेक्स्ट वीडियो बनती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की वीडियो रहेगी फुल डे रूटीन पर ही। तो जैसे सुबह उठे, मैं 5:30 बजे उठी थी, तो साथ में छोटी गुड़िया उठ के उसको दूध दाँत पिला के, और मैंने पिया भी गर्म पानी में। देखो इतना बड़ा मग है ना, ये देख सकते हो आप, इसमें भाई 700 ml 750 ml पानी आता है। ये मैंने भर के पिया है गर्म पानी का सुबह सुबह, ठीक है। और ये लगा रखे रही, अब थोड़ा सा भाई अपने जो का दूध बिलोला, लस्सी भी चाहिए सब ना, ठीक है। अरे मैं काटूंगी सब्जी अपनी, और यहाँ पर रख रखा है देखो मैंने सौंफ का पानी, तब तक ये उबल जाएगा, तब तक मैं सब्जी काट लूंगी अपनी, फिर मैं पीऊंगी अपना सौंफ का पानी। तब बात की जाए बच्चा पार्ट की, ये देखो एक तो दूध पी के खेल रही है मेरा बच्चा, ये देखो देखते ही इसका नूजा उठा ले। बड़े वाले अभी सो रही है, उसको उठाऊंगी, स्कूल में जाना है, ठीक है। ये अपना खेल लेगी तब तक। एक को इसने था इसकी दादी सुला रही है, बीच वाली को ये अभी सो गई है दूध पी के। तब हम अपना काम चालू करते, क्योंकि बच्चे लग रहे हैं खेलना, तो फिर सारा दिन काम नहीं होता। लाइट बंद कर दी है, सोचेंगे रात हो रही है, सोचो देख देख कुकर देख लग रही है नू, देखा है घूम घूम कर मेरी छोटे वाली गुड़िया मम्मी कहाँ गई। तभी ये है सुबह का, तो जैसे जैसे आगे होता रहेगा मैं बनाती रहूँगी वीडियो अपने डेली रूटीन पे। तो भी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। तो देखो भाई नाश्ते में बनाया आज मैंने अपना गोभी का पराठा, उसके लिए देखो इतना सा मैंने आटा लिया है, थोड़ा सा ही, जैसे आप एक रोटी बनाते ना उतना आटा लेना है आपने। इसको मैं पूरी बेल के, मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना आपका सारा काम कर दूंगी। अरे वाह, अरे ये गोभी देखो इसमें मैंने मिर्ची डाली, लहसुन डाल लिया, गोभी कसते हैं फूल गोभी जो। मम्मी इतनी मिर्ची और क्या, ये देखो इतनी मिर्ची नहीं खाओगी पर मैं बाप। इसमें ऐसे लगा के ये अपने बेल लेना है अपने लिए नाश्ते में। गोभी का पराठा बन जाएगा यू आपका। ये मैं अपने इस पे वो बताऊंगी, मेन वो है कि घी कितना लगाना आपने इस पे। ए मम्मी इतना मत गाल, मम्मी रोक दूं? नहीं हैं? नहीं क्यों? अभी दिखाना, ये इस पे हम इस पे घी डालोगे? घी कितना लगाना वो दिखाऊंगा आपको इस पे। कई बार हम कहते हैं बर बर का घी लगा ले, उंगली डाले बेटा माता कैमरे से नीचे, हाँ ऐसे करना। एक दिखाऊंगा जैसे एक साइड से पक गए, इधर लिया बेटा दिखाऊं, मुझे दिखाऊं मैं दिखाऊंगी। देखो जैसे पराठा है, ये देखो बिल्कुल घी दिख रहा है ना अपने, बिल्कुल आधे से भी आधा आधा बिल्कुल, ये आधे चम्मच में मतलब आपने पराठा बना लेना अपना दोनों साइड से अच्छी तरह से पक के। बस ये भी नाम मात्र सा ही घी लगाना इस पर। ये भी मैं भाई मक्खन ले रही हूँ, इसमें तो फैट वैसे थोड़ा कम ही हुआ है क्योंकि इसमें लस्सी मिक्स हो जाए ना। ये बस ये है कि भाई नाम मात्र सा लगा कर आपने दोनों तरफ से यू सेक लेना है। चिमटा है मम्मी बाहर, चिमटा बाहर है, चिमटा कहाँ गया है? और तो इस तरह बनाना, ना ज्यादा सेकना, बस अब यू उतार देना है इस पे से।
तो भाई अब हुए हैं 8:15, मैं नहा के आ गई हूँ। ये अपने नाश्ते की मैं तैयारी करूँगी। इग्नू ना कोई दीदी आपने इतनी जल्दी काम कर लिया। हाँ भाई नहा ली हूँ मैं, रोटी सब्जी बना दी, क्योंकि गुड़िया गई थी ना स्कूल में, उसको रोटी देनी पड़ती है ना, तो सब्जी बना दी थी मैंने साथ में ही, खाना फिर मैंने सबका इकट्ठा बना दिया, क्योंकि हमारे घर में क्या है कि भी कोई गर्म रोटी नहीं खाता, सारी ठंडी खाता मैं, इसलिए इकट्ठा ही बना कर रख दिया। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी बना लिया था, परांठा मैंने दिखाया था आपको, और मैंने लंच में जो मैं खाऊंगी अपनी दो रोटी वो भी मैंने बना के रख दिया। बस मैं दोपहर को ये कि सब्जी बनाऊंगी। मेरी डाइटिशियन का यही फायदा है कि वो घर का ही खाना बताते, ज़्यादा ताम झाम नहीं, क्योंकि बच्चों में आपको पता है टाइम नहीं लग पाता अलग अलग बनाने का, फिर वो डाइट भी फॉलो नहीं हो पाती। तो इनकी डाइट का इतनी ईजी है कि मैं आराम से फॉलो कर लेती हूँ, और 100 की 100 नहीं होती तो 70-80% मैं फॉलो कर लेती हूँ भी, बच्चों में इतना ही बहुत हो जाता है, इतना भी अगर आप भी फॉलो कर ले तो इसमें ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। तो अभी जैसे मैं ब्रेकफास्ट में परांठा लूँगी अपना, और ये देखो मैंने चाय, देखो भैया ना कोई दीदी इतनी चाय पियोगे, इसमें मेरी सास की भी है, क्योंकि मैं अकेली चाय भी कभी नहीं बनाती, हमेशा मेरी सास की इकट्ठी बनती है चाय। पापा तो खेत में गए हैं तो मम्मी को चाय का थोड़ा ज़्यादा सा वो है, हालांकि उन्होंने पी थी सुबह उठ के, लेकिन मैं अपने अकेले मैं उनके साथ में बनाती हूँ, उनको चाय का ज़्यादा प्यार है। तो इसमें मैंने देखो इतना ही दूध इतना ही पानी डाला है, दूध बल्कि पानी ज़्यादा ही डाला है मैंने इसमें। मैंने सौंफ इलायची जो भी है ना अपना, और चीनी नहीं डाली, मैंने खांड की चाय बनाई है, चीनी की चाय नहीं पीती मैं। और ये भी मैं इसलिए पी रहा चाय ब्रेकफास्ट में, मैंने दही के साथ भी खा ली थी, आज थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, मंथली प्रॉब्लम सबको पता है, तो इसलिए मैंने चाय लूँगी आज मैं थोड़ी सी परांठा के साथ। दरअसल आप दही भी ले सकते हो, तो चाय अगर लेने तो इस तरह से आप ले लेना, खांड डाल के उसमें, और अदरक इलायची जो भी है वो ज़रूर डाल लेना। तो भाई और झाड़ू पोछा हो गया है, लेकिन अभी मेरे बच्चे अभी दोबारा उठ गए, दोनों छोटे छोटे दूध पी के दोबारा सो गए थे सुबह, इसलिए मैंने काम कर लिया फटाफट। तभी ये उठे हैं, इनको दोबारा दूध पिलाना है, नहलाना है इनको, किसी को दवाई देनी है, बीच वाली गुड़िया को दवाई देनी है, फिर वही बच्चों के साथ इतने नहीं सोते, इतने चलता रहा, कभी किसी ने पोटी कर दी, किसी ने बाथरूम कर दिया, दोनों छोटी छोटी है मेरी तो ये, अभी उधर से फिर इतना भैंस का काम हो जाए, भित्तर बांधने का, नहाने का उनका, तो चलता सारा दिन रहे है ये कि सुबह ये कि मोटा मोटा जल्दी फिनिश कर लेते, क्योंकि पापा भी खेत में तो आओगे रोटी खान, तो रोटी बनी बनाई मिली, रोटी खाकर फिर उन्हें चा का थर्मस भरवा के अपना फिर खेत में चले जाऊंगे। ये हो गया मेरा पराठा, ये मूस का है ना, यह मेरी चाय, वो मम्मी की है कटोरी भरी। तो ये ब्रेकफास्ट का मजा ले होंगे, प्लेट प्लूट हम तो साया नहीं करते, क्योंकि फिर मैं घने बर्तन जूठे होंगे, जरूरी है हाथ में लेकर खा लो, हाथ में खाने का मजा ही अलग है। तो अभी बज गया 11, अभी हो गया मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, यानी ग्रीन टी का। देखो ये बना ली मैंने अपनी ग्रीन टी, ग्रीन टी देखो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, ये वाली, ये मेरी डाइटिशियन ने मुझे भेजी थी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका ग्रीन टी का। और इसका एक और फायदा है, जैसे ये ना गर्म और ठंडे आप दोनों से यूज कर सकते हो, एक बार बना के रख दो दोनों टाइम की, फ्रिज में रख दो, ठंडी भी आप इसको पी सकते हो, रिजल्ट इसका सेम है, गर्म का भी और ठंडे का भी। इसलिए डाइटिशियन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, हम सेम टू सेम डाइट किसी की फॉलो नहीं कर सकते देखकर, उसमें क्वांटिटी का, कैलोरीज का, वो सब अलग अलग होता है, अभी किस टाइम आपको क्या चीज़ खानी, कितनी क्वांटिटी में खानी, इसलिए मैं डाइटिशियन की सलाह जरूर लेनी पड़ती है। मैं उसका जो नंबर है उनका, डॉक्टर निशा ठाकरन जी है, इंस्टा पे भी उनका पेज मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप उनसे बात कर सकते हो, या फिर मैं उनको ऑफिशियल नंबर मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी अपना डाइट के रिगार्डिंग बात करनी है आप उनसे बात कर सकते हो, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग भी, जिनको मेंटेन रखना वेट गेन के रिगार्डिंग, तो मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि एक बार नंबर शेयर कर दो, कि मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया उनका नंबर, मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अभी ग्रीन टी का टाइम है, अभी ग्रीन टी पीने, इसके साथ आप कुछ फ्रूट भी ले सकते हैं, एप्पल वगैरह अगर लेनी है तो फिर वही 1 बजे फिर लंच का टाइम हो जाएगा। तो मेरे बहनों हो गया है लंच का टाइम, बच्चे सोए हैं दोनों के दोनों, छोटी छोटी गुड़िया, बड़े वाले स्कूल में आ जाएगी, इतना मैंने सोचा मैं अपनी रोटी बना कर खा लूँ। तो भाई लंच में मैंने बना सलाद, मैंने खा ली, एक खीरा एक टमाटर मैंने खा लिया था लंच करने से, मतलब 10 मिनट पहले इतना मेरी सब्जी बनी, इतना मैंने वो काट कर खा ली थी। तो दो रोटी लिया मैंने सूखी हैं, और यह बनाई मैंने अपनी घिया की सब्जी, बिना घी की बनाई है अभी मैंने, से जीरो ऑयल कुकिंग से मैंने पहले बना कर दिखाई थी पिछली वीडियो में, इसमें मैंने ना घी ना तेल कुछ नहीं यूज़ किया, सिर्फ प्याज टमाटर जीरा और घिया की सब्जी बनाई है। तो मैं अभी से ना खाऊँगी लंच में।
पेट भूख लगी है, कई घंटे गैप हो गया। 8:30 बजे ब्रेकफास्ट किया था तो अब देख लो 1:30 बज गया इस टाइम पे। बच्चा मैं बस पता ही नहीं चलिया, तो अब लंच करेंगे अपना। तो भाई अब बज गए 4:30, आज टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि बच्चा ने टाइम सारा वेस्ट कर दिया मेरा, नहीं 4 बजे का टाइम था ग्रीन टी पीने का, तो 4:30 हो गए हैं। बच्चा मैंने ये आगे पीछे होता रहा है, ये नहीं है कि भाई एग्जैक्ट टाइम पे पीना, थोड़ा 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाए हैं फैमिली में। तो ये हो गया ग्रीन टी का टाइम, मैंने बना लिया अपनी ग्रीन टी वही जो मैंने सुबह दिखाई थी। मैं दोनों टाइम बना लिया करूँ एकदम, क्योंकि मेरा पतीला छोटा है, वो दोनों टाइम मैं इकट्ठी नहीं बनाया करती, मैं अपने अलग अलग बना लिया करूँ। नहीं आप इकट्ठी बना कर रख सको अपने ठंडी प्लेस को। तो ये मैंने बनाई अपनी, ये देखो ये भर लिया मैंने अपना ग्रीन टी का अब, और ये ले लिए हैं मैंने बुगड़े, ठीक है। इसके साथ आप मखाने भी ले इसको, बुगड़े भी ले इसको ग्रीन टी के साथ, ये भी थोड़ा डिनर करते करते, डिनर तक जाकर थोड़ी भूख नहीं लगेगी, फिर ओवर ईटिंग तब अच्छी जगह, इसलिए थोड़े थोड़े जो हैं बीच में खाने चाहिए जिसमें कैलोरी कम हो और आपने हेल्दी रखा, प्रोटीन मिला जिस चीज़ का, तो इसलिए। और पानी पीते रहा करो, याद रखा करो पानी ने अपना घंटे घंटे तो 2 घंटे में, ठीक है, अपना पानी का इंटेक भी जरूर रखा करो। तो भैया अब लेंगे इसका मज़ा, फिर आती है डिनर की बारी, फिर आप सोचेंगे भाई डिनर में क्या बनाना है। तो भाई अब हो गया शाम का टाइम, 7:30 का टाइम है, तो डिनर का टाइम हो गया है। आज जैसे मैंने नमकीन चावल बनाए हैं तो उसी में से भी मैं थोड़े ही लूँगी, आज अलग बनाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आज मैं थक रही हूँ और फिर पेट में भी आज पेन हो रहा है मेरे। तो आप अगर ऐसा हो, अगर आपको अलग से बनाना है तो आप इस टाइम दलिया बना लो, वेजिटेबल दलिया बना लो, मूंग दाल बना लो, मतलब दाल बना लो कोई सी भी, वो आप पी लो, ठीक है। और टाइम से आप डिनर करो अपना। तो मैंने चावल लिए, मैं उसकी क्वांटिटी बता देती हूँ आपको। देखो जैसे मैं ये कि इतनी कटोरी में थोड़ी जिसमें, या तो 1 चम्मच घी का डाल लूँगी या फिर दही थोड़ी सी ऐड कर लूँगी इसमें। मतलब क्वांटिटी का ध्यान रखना अपने, अगर घर में कुछ और भी बन रहा हो ना, एक मैंने कम तेल में बनाया, भी ज़्यादा तेल में मैं वैसे भी नहीं बनाती, घर के आगे भी नहीं बनाया करती, कम तेल में बनाया। आलू मैंने इसमें से निकाल दिया, चावल चावल लिए थोड़े, ये है कि भाई खाली पेट ना रहे, भूख ना लगे फिर रात ना, ओवर ईटिंग से बच जाए, तो थोड़े इसमें ये है कि हमारी भूख सी दब जाएगी। इस टाइम आप बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई, पनीर की भुजी ले लो, बेसन का चिल्ला ले लो, कुछ भी ले लो कि भाई इसमें फैट कम हो, ऐसी चीज़ खानी है आपने। और डिनर अपना टाइम से करना है, फिर रात को सोते भाई वही जीरा वाटर लूँगी मैं। तो भाई ये था आज का सारे दिन का डेली रूटीन, फैट लूज का, वेट लूज का। तो भाई कैसा लगा कमेंट जरूर करना अच्छे अच्छे, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ही बनेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट फैट लूज की वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, धन्यवाद।